ओके सालो गाइस, कैसे हो सब लोग? मैं हूं सोना, आप लोग देख रहे हो YouTube चैनल मोटो ब्लॉगर्स। शाइंस हो गाइस, आज हम फिर से आ चुके हैं नया वीडियो के साथ। तो आज हम स्टैंड का जो हमारे पास है ब्लेंडर, तो इन दोनों ब्लेंडर को हम चलाने वाले हैं। कैसे हम इन दोनों ब्लेंडर को अपने पायलट 2023 में चला सकते हैं, प्रोग्रामिंग कैसे कर सकते हैं, वही मैं आज अपना वीडियो में दिखाने वाला हूं। तो चलो जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। बहुत दिन से आप लोगों ने बहुत सारे कमेंट्स किए कि यार ब्लेंडर के साथ पायलट 2023 का मतलब वीडियो लेके आ जा, तो चलो आज फाइनली वो आ चुका है। तो चलो हम जल्दी से शुरू करते हैं। पहले तो मैं इन दोनों का वीडियो दिखाने वाला हूँ कि यार तुम लोग इन दोनों को कैसे चला सकते हो, फिर मैं दिखाने वाला हूँ तुम ब्लेंडर के साथ पार कैसे चला सकते हो। यहाँ पे 1 2 3 4 5 4 पीस मेरे पास पार है। उसके बाद वाले वीडियो में आ जाएगा सार्फी, मतलब टोटल ये जो लगा हुआ है इन सभी को एक साथ हम कैसे चला सकते हैं। तो जल्दी से शुरू करते हैं वीडियो बिना किसी देरी के। वीडियो एंड तक देखना, वरना कुछ भी समझ नहीं आएगा, ठीक है? तो चलो जल्दी से शुरू करते हैं। तो पहले तो हमें अपना पायलट को जो है रिसेट कर लेना पड़ेगा। तो रिसेट करने के लिए पहले तो हमें रिसेट बटन दबा के पायलट को ऑन करना पड़ेगा। एंड अपना जो पासवर्ड रहता है 1 2 1 2 9 7, तो यहाँ पे अपना जो क्लियरिंग वर्किंग फाइल, मतलब जो भी वर्किंग फाइल था वो सब रिसेट हो चुका है। फिर अपना जो काम पहले बनता है वो है इसका जो मेन फाइल होता है यार, इसका मेन फाइल बनाना। लेकिन हमारे पास वैसा कुछ नहीं है कि बॉक्स के अंदर कुछ दिया है कि यार तुम फाइल बना सकते हो इसका, तो वैसा कुछ नहीं है हमारे पास। तो हम एक काम करेंगे, LP1 या पे मेरे पास है LP7, तो हमारे पास जो LP1 रहता है उस LP1 के फाइल के साथ हम इस ब्लेंडर को चला सकते हैं अपने प्रोग्रामिंग पे, ठीक है? तो अपने प्रोग्रामिंग पे हम LP1 के फाइल से ब्लेंडर को चला सकते हैं। तो LP1 का फाइल कहाँ मिलेगा आप लोगों को, मेरे चैनल पर ही तुम लोगों को मिल जाएगा कि यार LP1 मेरे पास नहीं है, मैं कैसे फाइल सेव करूँ। कुछ ज़रूरत नहीं है, मेरे चैनल पर जाओ, होम पेज पे जाओ, ये देखो ढूंढो, या फिर मैं इसी वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तुम लोगों को मिल जाएगा कि तुम कैसे LP1 का फाइल बना सकते हो एंड ब्लेंडर को यूज़ कर सकते हो, ठीक है? उसके साथ तो चलो आगे मैं दिखाता हूँ कि ब्लेंडर चलाने के लिए LP1 का फाइल की यूज़ ज़रूरत है, ठीक है? तो चलो शुरू करें। पायलट में आ जाता हूँ, तो पहले तो हमें सेटअप पे जाना पड़ेगा। सेटअप में जाने के बाद फिक्स्चर पैड जो रहता है ओके दबाना पड़ेगा। फिर यहाँ पे अपना जो LP1 रहता है इसको सिलेक्ट करना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है? क्योंकि यार ये भी कुछ LP1 की तरह ही चलता है, तो इसके लिए मैं बोल रहा हूँ कि यार LP1 सिलेक्ट कर लो, क्योंकि LP1 का फाइल मुझे सबसे अच्छा लगा चलाने के लिए, ठीक है? और मैंने एक का नंबर 50 और दूसरे का नंबर 60 किया है, तो तुम भी सेम टू सेम ही कर लेना, बस काम में चल जाएगा। और अगर बैकग्राउंड में थोड़ा सा नॉइज़ आ रहा है, सॉरी, इसको मैं LP1 करता हूँ, ओके? तो अगर बैकग्राउंड में थोड़ा नॉइज़ आ रहा है क्योंकि थोड़ा चल रहा है कुछ बहुत बड़ा प्रोग्राम सामने ही, तो इसके लिए मैं कुछ कर नहीं सकता। अब ये चलता रहता है पूरा दिन रात, तो मैं क्या ही करूँ, वीडियो तो नहीं रुक सकता ना, ठीक है? तो फिर फिक्स्चर में आके मैं दिखा देता हूँ तुम लोगों को कि मैं एक और दो को सिलेक्ट करके कैसे हम चला सकते हैं। ये हमारा डिमर जो रहता है डिमर ही रहेगा। फिर यहाँ पे तो अपना LP1 के लिए स्टोप ऑटो एंड ऑटो स्पीड, फिर RGB आता है, यार उठा हुआ है, ओके? तो पहले आता है हमारा इसमें जो ब्लेंडर है इसके लिए आता है पहले वाले में रेड, ठीक है? तो ये तो पहले उठाना पड़ेगा। एंड यहाँ पे देखो सिंगल रेड जल गया, अब ये सिंगल चलता है तो सिंगल रेड जल गया। फिर आता है अपना ग्रीन, ये देखो रेड नीचे करते ये ग्रीन आ गया, फिर ग्रीन नीचे करो फिर उठाओ ब्लू। भैया तो ये तो सिंगल जल रहा है, डबल कैसे चलाया हम? उसके लिए भी आपको ये वाले जो फेदर्स है उनको उठाना पड़ेगा। अब इस साइड का रेड जल गया, इस साइड का ग्रीन जल गया, अब ब्लू कैसे जलाए? पेज 2 पे जाना पड़ेगा, ये आ गया अपना ब्लू, ठीक है? अब दोनों को एक साथ जलाते हैं, मतलब इस तरफ उस तरफ डिमर उठाओ, फिर फर्स्ट में आता है रेड, सेकेंड में आता है ग्रीन, थर्ड में आता है ब्लू, फिर आता है रेड, दोनों रेड जल गया, दोनों को नीचे करो, फिर जो आता है ये दोनों को ऊपर उठाओ, आ गया ग्रीन, फिर दोनों को नीचे करो, फिर आप यहाँ पे आता है अपना ब्लू एंड यहाँ पे आता है अपना ब्लू, ठीक है? तो ये ब्लू आ गया। अब यार सब तो आ गया, रेड RGB आ गया, हम फ्लैश कैसे करेंगे? यहाँ पे देखो W और के मेरे पास, तो ये हम जब भी उठाएंगे अपना फ्लैश स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है? परफेक्ट है ये, मतलब LP1 का जो फाइल है अपने ब्लेंडर के लिए परफेक्ट है। तो तुम इसके सहायता से तुम चला सकते हो। वैसे अपना LP7 जो है उसके पास तो तुम डिमर RGB एंड स्टोव ऑटो फिर ऑटो स्पीड ये एक्स्ट्रा एक नहीं मतलब तुम्हें मिलेगा, तो कैसे तुम स्टॉप करोगे ना, इसके लिए LP1 ही मैंने सही सोचा, ठीक है? तो चलो प्रोग्राम करके मैं एक दिखा देता हूँ यार कि तुम कैसे प्रोग्रामिंग कर सकते हो, ओके? तो यहाँ पे तुम प्रोग्राम एक एडिट, फिर ओके दबाओ, फिर आ जाओ एडिट सीन पे, फिर 2 और 1 को सिलेक्ट करो। जैसे तुम प्रोग्रामिंग करते हो पार या फिर सार्सिस में वैसे ही सेम तरीक़ों से। यहाँ पे अपना रेड, मैंने दोनों का रेड उठा दिया, फिर यहाँ पे स्टोर 1, ओके? फिर दोनों का रेड नीचे कर दिया, फिर दोनों का ग्रीन उठा दिया, ये देखो ग्रीन जल रहा है, फिर यहाँ पे स्टोर 2, ओके?
फिर ग्रीन नीचे करके ब्लू उठा दिया एंड इस तरफ से भी ब्लू उठा दिया, ये देखो ब्लू जल रहा है। फिर स्टोर 3 ओके, फिर एडिट एंटर ओके, काम बन गया। अब तुम इसे ऑन कर सकते हो ओके। तो यहाँ पे अपने पास आ जाएगा RGB एंड फिर हम और एक प्रोग्रामिंग करते हैं शेडो का। फिर 2 एडिट के एडिट स्किन 1 2 दोनों को सिलेक्ट करेंगे। फिर 0 पे ही अपना जो एक स्टोर तो मुझे करना पड़ेगा, जो लोग मेरा पुराने व्यूवर्स है उनको पता है कि यार मेरे पायलट में क्या प्रॉब्लम है ओके। फिर एक एक करके अब हम सिलेक्ट करेंगे, एक नंबर को सिलेक्ट करके अपना जो डीमर एंड रेड है ऊपर उठाएंगे। तो इस तरफ का रेड हमें उठाना पड़ेगा, तो ये उठाना पड़ेगा उसके लिए। फिर स्टोर 2 तुम लोग स्टोर 1 करना। फिर इसको नीचे करके इसको ऊँचा करेंगे तो सेकेंडरी वाला रेड चल गया स्टोर 3। फिर आता है अपना सेकेंड, तो सेकेंड के लिए हमें ये सिलेक्ट करना पड़ेगा एंड इसका जो डीमर है वो नीचे करना पड़ेगा एंड सेकेंड वाले का जो डीमर है ऊपर उठा के। फिर ये वाला रेड मतलब अंदर वाला रेड एंड स्टोर 4, फिर डाउन, फिर बाहर वाला रेड एंड स्टोर 5 ठीक है। बस मैं रेड में ही दिखा रहा हूँ तुम लोगों को। तो ये आ गया हमारे पास शैडो ठीक है, डन। अब कुछ बहुत मतलब यार पार जैसा ही है, तुम समझ लो ये कुछ अलग चीज़ नहीं है, बस पार ही है। देख लो ये अपना जो चल रहा है बहुत ही मस्त चल रहा है। फिर मतलब मैं तुम लोगों को दिखा रहा हूँ यार कि तुम LP1 के जो ईयर है, LP1 का जो फाइल है उससे तुम इसको चला सकते हो। वैसे तो तुम इसको चेज में जाकर भी चला सकते हो ठीक है, या फिर अलग से भी तुम चला सकते हो, चेज प्रीसेट तुम जैसे चाहो वैसे ही चला सकते हो इसको। बट मैं तुम लोगों को दिखा रहा हूँ कि तुम यार प्रोग्रामिंग में एक को सेव करके रख दिया, दबाओगे तो चल जाएगा, पार के साथ चलाओगे प्रोग्रामिंग में देखने में भी मस्त लगेगा। इसके लिए मैंने बताया कि तुम ऐसे करके चलाओ तो कुछ हटका लगेगा। थर्ड एडिट ओके, एडिट स्क्रीन ओके, 1 और 2 को सिलेक्ट, फिर सभी को उठा दो, इनको सभी को वाइट कर दो, ये आ गया अपना वाइट ओके। फिर स्टोर 1 एडिट एंटर, तो फिर मोड में जाके इसका जो स्पीड है वो फुल कर दो ताकि ये दबाने से ही जल्दी से आ जाए ये दबा। अब ये तो तुमको बताइए, अब इसको हम थोड़ा एडिट करना पड़ेगा ताकि ये और तेज़ी से आए। एडिट सीन नहीं, तुमको जाना पड़ेगा एडिट की जब डिम होता है लास्ट टाइम पे वो दिखने में थोड़ा अच्छा लगता है, तो तुम इसमें थोड़ा सा क्रॉस लगा दो, ज़्यादा हो गया, 20 तक मैं रखता हूँ ओके। अब देखते हैं हम इसको क्या लग कैसा लगता है, अब थोड़ा सा ठीक, या फिर तुम चाहो तो और भी थोड़ा सा बढ़ा सकते हो। तो समझ लो तुम्हारा RGB चल रहा है, अपना जो बीट आता है तो दम जल गया, फिर आ गया जल गया, फिर आ गया जल गया ठीक है। फिर यहाँ पर तुम्हारा जो शेडो है वो चल रहा था, ये तुम्हारा जल गया। तो इसका जो मेन काम था मैं वो दिखा दिया तुम लोगों को, अब और क्या, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में मैं क्या दिखाने वाला हूँ, ये वाला 2 आई ब्लेंडर 1 2 3 4 पीस पार एंड ये वाला ब्लेंडर 3 1 2 3 4 5 6 को हम कैसे चला सकते हैं 6 को, वो दिखाने वाला हो। फिर जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें आएगा हम ये सार्फी मतलब पूरा टोटल जो 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 यहाँ पे है सभी को एक साथ हम कैसे चला सकते हैं वो दिखाने वाला हो ठीक है। तो वो देखने के लिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर रखना नेक्स्ट वीडियोज़ देखने के लिए ओके। तो आज के लिए बस इतना, बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर।